सो फर्स्ट वर्ड है शीशी। इस तरीके की शीशी होती है, हमारे घरों में दिख जाती है, तो इस तरीके की शीशी को इंग्लिश में बोलेंगे फाइल। फाइल मतलब शीशी। नेक्स्ट है गुलदस्ता। गुलदस्ता हम किसी को गिफ्ट देते हैं और इसे पुष्प गुच्छा भी बोला जाता है हिंदी में, तो गुलदस्ता या पुष्प गुच्छा इसको इंग्लिश में कहेंगे बूके। बूके, बूके मतलब गुलदस्ता या पुष्प गुच्छा। नेक्स्ट वी हैव गोंद। गोंद ये चिपकाने के काम में आता है किसी चीज को, जैसे लिफाफे वगैरह को चिपकाना है या किसी भी चीज को चिपकाना है तो गोंद काम में आता है। बाय द वे गोंद को इंग्लिश में कहेंगे ग्लू। ग्लू, और इसे गम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है लिफाफा। लिफाफा को इंग्लिश में कहेंगे एनवलप। एनवलप मतलब लिफाफा। नेक्स्ट है चिपकाने वाला टेप। चिपकाने वाली टेप को इंग्लिश में कहेंगे स्टिकी टेप। स्टिकी टेप मतलब चिपकाने वाला टेप। नेक्स्ट है जो पेपर को पंच करने की मशीन होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेपलर। स्टेपलर। नेक्स्ट है रद्दी। रद्दी आपको घरों में देखने को मिल जाएगी, जैसे कागज की रद्दी आपको देखने को मिल जाती है घर में, तो रद्दी को इंग्लिश में कहेंगे स्क्रैप। स्क्रैप मतलब रद्दी। नेक्स्ट है कचरा। कचरा को इंग्लिश में कहेंगे गार्बेज। गार्बेज या ट्रैश। नेक्स्ट है कूड़ादान। कूड़ादान को इंग्लिश में कहेंगे गार्बेज कैन। गार्बेज कैन या इसे ट्रैश कैन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सूप। ये कचरा बटोरने के काम में आता है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डस्ट पैन। डस्ट पैन। नेक्स्ट है सीखे वाली झाड़ू। सीखे वाली झाड़ू को इंग्लिश में कहेंगे कोकोनट ब्रूम स्टिक। कोकोनट ब्रूम स्टिक। कोकोनट ब्रूम स्टिक मतलब सीखे वाली झाड़ू। नेक्स्ट है सरसी। सरसी कुछ इस तरीके की होती है, और चाय वगैरह का बर्तन अगर गर्म हो तो उसको पकड़ने में काम आती है सरसी, तो इस तरीके की सरसी को इंग्लिश में कहेंगे टोंग्स। टोंग्स मतलब सरसी। नेक्स्ट है लोटा। इस तरीके के लोटे को इंग्लिश में कहेंगे राउंड वाटर पॉट। राउंड वाटर पॉट। नेक्स्ट है अंगीठी। अंगीठी कुछ इस तरीके की होती है, घरों में होती है अंगीठी इस तरीके की, तो अंगीठी को इंग्लिश में कहेंगे फायर प्लेस। फायर प्लेस मतलब अंगीठी। नेक्स्ट है अंगारा। अंगारा कुछ इस तरीके का होता है, जलता हुआ लकड़ी का छोटा टुकड़ा या जलते हुए कोयले का छोटा टुकड़ा होता है, तो अंगारा को इंग्लिश में कहेंगे सिंडा। सिंडा मतलब अंगारा। नेक्स्ट है खाने की मेज। खाने की मेज को इंग्लिश में बोलेंगे डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल मतलब खाने की मेज। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है संदूक। संदूक कुछ इस तरीके का होता है, ये बेशकीमती गहने या सिक्कों को रखने के काम में आता है, तो संदूक को इंग्लिश में कहेंगे कॉफा। कॉफा मतलब संदूक। नेक्स्ट है बटुआ। इस तरीके के बटुए को मेल यूज करते हैं, तो इस तरीके के बटुए को इंग्लिश में कहेंगे वॉलेट। वॉलेट मतलब बटुआ, और इस तरीके के बटुए को पर्स बोलेंगे जो फीमेल यूज करती हैं। नेक्स्ट है पिंजरा। पिंजरा कुछ इस तरीके का होता है, तो पिंजरा को इंग्लिश में कहेंगे केज। केज मतलब पिंजरा। नेक्स्ट है खूटा। इस तरीके के गाय का खूटा होता है, तो गाय के खूटे को इंग्लिश में कहेंगे पेग। पेग मतलब खूटा। और दीवार में इस तरीके की खूंटी होती है, इसको भी इंग्लिश में पेग बोला जाता है। नेक्स्ट है चोर बत्ती, या इसे बैटरी वाली टॉर्च भी बोला जाता है, तो चोर बत्ती को इंग्लिश में कहेंगे टॉर्च। टॉर्च मतलब चोर बत्ती। और मशाल। मशाल को भी इंग्लिश में टॉर्च बोला जाता है। नेक्स्ट है पहियेदार बच्चों की गाड़ी। पहियेदार बच्चों की गाड़ी कुछ इस तरीके की होती है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे बगी। बगी या पुश चेयर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है झूला। झूला को इंग्लिश में कहेंगे स्विंग। स्विंग। स्विंग मतलब झूला। नेक्स्ट वी हैव झुंझुना। झुंझुना को इंग्लिश में कहेंगे रैटल। रैटल। रैटल मतलब झुंझुना। नेक्स्ट है घरों में जो सिलाई मशीन होती है उसको इंग्लिश में कहेंगे सोइंग मशीन। सोइंग
मशीन मतलब सिलाई मशीन। नेक्स्ट है गद्दा, जो बेड का गद्दा होता है उसको इंग्लिश में कहेंगे मैट्रिस, मैट्रिस मतलब गद्दा। नेक्स्ट है कंबल, कंबल को इंग्लिश में कहेंगे ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल। नेक्स्ट है रजाई, रजाई को इंग्लिश में कहेंगे क्विल्ट, क्विल्ट क्विल्ट मतलब रजाई। नेक्स्ट है गमला, गमला को इंग्लिश में कहेंगे फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट फ्लावर पॉट मतलब गमला। नेक्स्ट है तस्मा, तस्मा या फीता जूते की जो होती है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे लेस, लेस लेस मतलब तस्मा या फीता। नेक्स्ट है अंगूठेदार चप्पल, इस तरीके की अंगूठेदार चप्पल को इंग्लिश में कहेंगे फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मतलब अंगूठेदार चप्पल। नेक्स्ट है मच्छर की अगरबत्ती, कुछ इस तरीके की होती है जो मच्छर को भगाने का काम करती है, मारने का काम करती है, तो इस तरीके की मच्छर की अगरबत्ती को इंग्लिश में कहेंगे मॉस्कीटो कॉइल, मॉस्कीटो कॉइल। नेक्स्ट है कपास की कली, इस तरीके की कपास की कली कान को साफ करने में काम में आती है, तो कपास की कली को इंग्लिश में कहेंगे कॉटन बर्ड, कॉटन बर्ड मतलब कपास की कली। नेक्स्ट है छतरी, टीवी की जो छतरी होती है जो ऊपर लगी होती है और जो सिग्नल को कैच करती है, तो उस छतरी को इंग्लिश में कहेंगे एंटेना, एंटेना मतलब छतरी। नेक्स्ट है बोरा या बोरी, आलू की बोरी या गेहूं की बोरी होती है इस तरीके की, तो बोरा या बोरी को इंग्लिश में कहेंगे सैक, सैक मतलब बोरा या बोरी। नेक्स्ट है रस्सी या रस्सा, इसको इंग्लिश में कहेंगे रोप, रोप मतलब रस्सा या रस्सी। आप लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, आप अपनी आम बोलचाल में क्या यूज करते हैं, रस्सा या रस्सी। नेक्स्ट है कंघा या कंघी, ये बाल को काटने में काम में आती है, तो कंघा या कंघी को इंग्लिश में कहेंगे कोम, कोम मतलब कंघा या कंघी। नेक्स्ट है नाखून काटने वाला, इससे हम नाखून काटते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नेल क्लिपर, नेल क्लिपर। नेक्स्ट है दरवाजे की घंटी, दरवाजे की घंटी को इंग्लिश में कहेंगे डोर बेल, डोर बेल डोर बेल मतलब दरवाजे की घंटी। नेक्स्ट है खिड़की, खिड़की को इंग्लिश में कहेंगे विंडो, विंडो। नेक्स्ट है खिड़की का शीशा, खिड़की के शीशे को इंग्लिश में कहेंगे विंडो पैन, विंडो पैन विंडो पैन मतलब खिड़की का शीशा। नेक्स्ट है माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी को इंग्लिश में कहेंगे मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। नेक्स्ट है माचिस की तीली, माचिस की तीली को इंग्लिश में कहेंगे मैच, मैच मतलब माचिस की तीली। नेक्स्ट है मोमबत्ती, मोमबत्ती को इंग्लिश में कहेंगे कैंडल, कैंडल। नेक्स्ट है मोम, जो मोमबत्ती का जो मोम होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्स, वैक्स मतलब मोम। और मोमबत्ती के धागे को इंग्लिश में कहेंगे विक, विक मतलब धागा मोमबत्ती का। ये दोनों आज के क्विज हैं, लिख के बताइए हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।